अच्छो तो अरे के नाम ले रहा हमारे काके ताऊ लड़न लग रहे इनका तरह। हाँ भाई गाय की बात थी, गाय ने बचाने की बात थी, आज गाय ने बचाने का तरह हमारे काके ताऊ सर में मारे। ये पुलिस वाले सबसे बड़ी बात प्रशासन को कहने लग रहा है, वो तो ट्रैक्टर का तड़ा मरिया है प्रशासन ने, वो वीडियो भी देख लियो भाई, वो लठ मारो पुलिस वाला लागे फुटपड़ी पर पड़दे तड़ा मर जाओ, ट्रैक्टर तो बाद में टपे उसके ऊपर को, जबकि मुकदमा प्रशासन को होना चाहिए। वो मुकदमा ला दिया हमारे किसान भाइयों को ऊपर, बेशरम सरकार, इस तरह फलतूर के बात होगी भाई। दूसरी बात सबसे बड़ी बात, नौजवान साथी हैं जो हमारे जो घर दुबके बैठे हैं सारे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और भाई खेदड़ धरना यानी कि पूरे हरियाणा की नज़र उसी मुद्दे के ऊपर है कि आखिरकार धर्मपाल किसान की डेड बॉडी सार प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है। भाई किसान आंदोलन के दौरान एक प्रमुख चेहरा सोशल मीडिया की बात करें टिकरी बॉर्डर के ऊपर, जब भी बारिश आ गई तो बारिश में लाइव दिखा कर दे अपने वहाँ के जो ताज़ा हालात हो आकर दे बबलू मिर्चपुर, इनके बहुत सारी वीडियो में देखा करता उस टाइम पर कि भाई जो टिकरी बॉर्डर के बारिश के में भी ताज़ा हालात थे ये वो दिखा कर दे। बबलू भाई किसान की मौत होगी, खेदड़ धरना के ऊपर नजर है, क्यों क्या लगता है आपको क्यों नहीं प्रशासन डेड बॉडी दे रहा अभी तक? पहला सारे दर्शकों ना जुड़कर राम राम भाई, मैं बता दूं 80 साल तक किसान तो मरदा आ रहा है, जवान भी मरदा आ रहा है, जवान ना मरा था थोड़ा घना बच रहा था, कड़ियाँ कड़ियाँ भी अग्निपत देखियो अपनी योजना लेके आ रहे हैं, और जो जितने भी चीफ्स हैं सारे के सारे गुलाम हो रहे हैं सरकार के, चाहे वो वायुसेना का हो, चाहे थल सेना का हो, चाहे जल सेना का हो, सारे के सारे जो सरकार का वो नुआ मानने लायक रहे। जो श्रीलंका का अंदर अपना हाल देखा होगा, श्रीलंका के अंदर के आज पूरा राष्ट्रपति भवन भी कब्जा लिया, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होगी देश की, लोग आज भूखे मरने लायक रहे उड़े। जो मोदी जो चीज़ें ले गया रहे ना बार बार, जो जबरदस्ती थोपण ला रहे कदे किसान को ऊपर कदे जवान को ऊपर, वाह श्रीलंका हालात साल दो साल में भारत में भी होने वाले हैं। अरे मैं बता दूँ जो मारा ताऊ मेरा धर्मपाल है, जो मारा शहीद होया है, या तो हमने पाकिस्तानी खालिस्तानी के बड़ा फंडेड कहे हैं सारे के सारे संगी जो बैठे हैं के कहने लग रहे हैं। इस सबसे बड़ी बात इसमें एक मैंने आपने देखी वो गाय खातिर लड़न लग रहे हैं, जब तो हम किसानी खातिर लड़ रहा थे खालिस्तानी थे मैंने खालिस्तानी साम सारी मैन ली थी इनकी, इब जवाना खातिर लड़ रहा थे इबी इनको ना ना तो हम तो कांग्रेसी हो या मैन ली थी कांग्रेसी हैं सारी मैन ली हमने इनकी, इब जब गाय खातिर लड़न लग रहे हैं ना, अरे गाय का नाम पे वोट मांगनी है ठग आदमी, पूरा पूरा दक्षिण में चले जाओ, सारे का सारा बीफ निर्यात बीजेपी के नेता करते हैं, सबसे ज़्यादा बीफ है नहीं गाय का बीफ, और दक्षिण में सारा जाके बिका है, उत्तर प्रदेश में जाके देख लो इन्हें अड्डे बनाए रखे हैं गाय का बीफ के, गाय कट कट के बेचते हैं सबसे ज़्यादा लाइसेंस इन बैंडे बीजेपी आने, अरे कौन गाय का नाम पर, कौन धर्म का नाम पर, कौन जाति का नाम पर, कौन क्षेत्र का नाम पर, कौन पानी का नाम पर, कौन गाय का नाम पर, कौन गाय का नाम पर, 80% चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो ठग दे रहे हमने। इब सीधी सी बात से जो हमारा दो दिन पहला हमारा ताऊ शहीद होया भाई, मैं बता दूँ सरकार की के मनसा है, सरकार इब नु बताओ कौन सा कानून लग रहा है क्या, चलो ठीक है मर गया भाई, सरकार ने इबे थोपण लाग रहे हैं 8 से ज़्यादा मुकदमे लगा दिए, मरे नौजवानों को ऊपर मारे 80-90 साल के बुजुर्गों को ऊपर मुकदमे ला रखे हैं, 302 के वो एक मच्छर नहीं मार सकता वो बुढ़ा, उसको ऊपर 302 का मुकदमा ला रखे हैं, बेशरमान शर्म को नहीं आंदीन इबो कड़े गया। जो बीजेपी के वो संघी आदमी जो से गाय का नाम लेकर सत्ता में आए थे, ये जो से बजरंग दल से ए बी पी से क्यों कितने धर्म का नाम पर दुकानदारी चाल रही, क्यों कितने की गाय का नाम पर रक्षक अंडे आर दूर तंत्र द्वारे ले बंदूक ले, आज कड़े गए हो सारे के सारे दुखी के, आज तो तारे के नाम ले रहा हमारे काके ताऊ लड़न लग रहे इनका तरह। हाँ भाई गाय की बात थी, गाय ने बचाने की बात थी, आज गाय ने बचाने खातर हमारे काके ताऊ सर में मारे। ये पुलिस वाले ने सबसे बड़ी बात प्रशासन को कहने लग रहा है, वो तो ट्रैक्टर का तड़ा मरिया है प्रशासन ने, वो वीडियो भी देख लियो भाई, वो लठ मारो पुलिस वाला लागे फुटपड़ी पर पड़दे तड़ा मर जाओ, ट्रैक्टर तो बाद में टपे उसके ऊपर को, जबकि मुकदमा प्रशासन को होना चाहिए। वो मुकदमा ला दिया हमारे किसान भाइयों को ऊपर, बेशरम सरकार, इस तरह फलतूर के बात होगी भाई। दूसरी बात सबसे बड़ी बात, नौजवान साथी हैं जो हमारे जो घर दुबके बैठे हैं सारे, 2-4% टाइम कंधा को नहीं 95% इन्हें शर्म आनी चाहिए। तीसरी बात, जो आज धर्म का नाम पर चल रही है, दुकानदारी जो चला रहे हैं, जितने भी संगठन में नापक नाम भी बताए हैं कुछ है कि ये बजरंग पदरंग है, जो ये बी पी 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 जितने भी हैं ये वो हैं, इनकी दुकानदारी इतनी तकड़ी चल रही, इतनी तकड़ी दुकानदारी चल रही, ना कोई मतलब को ना गाय है ना धर्म तक किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं, ना गरीबा है बाढ़ बड़े को है मरवाने हैं, कुआ किमें कर दिया, कुआ किमें कर दिया, कुआ मजार पैट दिए, कुआ मंदिर पैट दिए, ये उलझा रखे हैं, जब देश कौन सी दिशा में जा रहा है उसने देख दे ही नहीं। अग्निवीर जो लेके आए हैं ना, जो सेना में भर्ती करें अग्निवीरा नहीं है सरकार का, वो इतने फायदे होंगे, फायदा मैं आपने बताया सकूँ हूँ, राष्ट्रपति जापान का देखा होगा आपने, वो अग्निवीर ने मार दिया ना भाई, दो मेरी पाँच सौ गोली पूरे प्रधानमंत्री, हाँ राष्ट्रपति था भाई, अच्छा हाँ वो उस अग्निवीर ने मार दिया, इसके ये फायदे होने वाले हैं महाराज, जो 21 साल का बालक रिटायरमेंट पाओगा के लागो गर्भ सा होगा,
प्रैक्टिस छोड़ तो लिया होगा, सब कहें कि जब वो आया करो बदमाश बना, गुंडा बनागा, हाँ भाई चोर डाकू बनागा और कुछ ना बना, वो देशभक्ति सैंगल तो बन जाएगा भाई वो, और देशभक्त बन गया तो उसने खाना कौन देगा, रोजगार है ही नहीं उसके पास में, देशभक्ति भी सुखी ना हो भाई, जब तक पेट नहीं भरा होगा ना आप दूसरा का इतना कुछ नहीं कर सकते, जब उसका खोसने ला रहा देशभक्ति है तो खाना लाग रहे, 16 साल तक जा रहे थे और दिखा दिखा के आने लाग रहे थे, और की दिक्कत थी, मगर नाना भाई मार नहीं ना सबकी मैं, अरे भाई तड़कन खेदड़ के अंदर बड़ी जबरदस्त महापंचायत है, मैं उनको हरियाणा हरियाणा की पूरा देश की महापंचायत है, और तकड़ा फैसला दिया जाओ हमारे बुजुर्गों द्वारा और भाई कमेटी द्वारा, और भाई सारे भाई ना जोड़ के विनती सब ने पहुँचना है, हमारी गायें भी खतरा, हमारा किसान भी खतरा, हमारा जवान भी खतरा में है, हमारी संस्कृति भी खतरा, हर एक चीज़ खतरा में लिया दिन ने, जब तक 7-8 साल तक मोदी आया है कि मैं छोटे को जिसने खतरा ना हो, अरे खतरा किस चीज़ ने दिखा, धर्म खतरा मर, धर्म तो पालतू कुत्ते हो ही नहीं, धर्म करता खतरा में हो गया, धर्म तो खतरा में है ही नहीं, हाँ भाई मैं तो देखा हूँ धर्म को ऊपर कभी खतरा हुआ है, जब वोट मांगने हो जब ये खतरा का खतरा में आएगी, खतरा में आएगी, हाँ भाई तो यह बात भाई, तो असल नहीं चोड़ कर लगा भाई महापंचायत को बड़ा फैसला लेगी, बिल्कुल बिल्कुल भाई राजा तकड़ा फैसला है, तड़कल में पंचायत को ऊपर भाई, हमने तो हमारी जो खा पंचायत तेन को ऊपर पहला भी गर्व था, और जो कमेटी जो फैसला लेगी उसके ऊपर खड़े उतरा जी सह फैसला ले लियो मैं, भाई साहब आप अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन चल रहा जनवान आंदोलन, उसमें व्यक्ति हुए थे, क्या लग रहा आपको, ज़्यादातर मुझे तो लग रहा भाई जवान आंदोलन दब गया अभी तो, दे मैं बता दूं भाई ना तो जवान आंदोलन दबा है ना किसान आंदोलन दबा है, ये जो युवा है ना जागरूक होने लग रहे हैं, हमारे बड़े बुड्ढे उन्हें जागरूक करने लग रहे हैं, जो घरों झुपड़ियाँ पड़ रहे हैं भाई लाग रहे हैं, मेहनत करने लग रहे हैं, आंडन फिरन लाग रहे हैं, जब नो जगह हाँ दब गया उस दिन हथियार फेंक देंगे, हाँ भाई लाग रहे हमारे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग इस 50 डिग्री तापमान में को पैदल यात्रा कर रहा है, कोई धरना के ऊपर बैठा है, अब दादरी में चल रहा है, सपलाम धरना चल रहा है, हाँ भाई को पैदल यात्रा कर रहा है, आंदोलन ना दबा दे भाई, चिंगारी है चिंगारी लगाई है सरकार ने, अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी, कुकरे ले लियो, हाँ भाई यार लेनी तो पड़ेगी पड़ेगी, संघर्ष चलता रहोगा भाई जब तक जीत नहीं हो जाती, बिल्कुल बबलू भाई जो धरना लग रहा है जो खेदड़ धरना, कोई सही बता रहा है कोई गलत बता रहा है, कोई बता रहा है कि गांव की पर्सनल लड़ाई है खेदड़ गांव की, कोई कह रहा है भाई किसान कौम की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है, गौ माता की लड़ाई, आपकी व्यक्तिगत पर्सनल राय क्या है, आपने भी कई दिन हो गए खेदड़ धरना के ऊपर जाते हुए देखते हुए पूरा जो माहौल है, आपको क्या लगता है जो हक है खेदड़ गांव का गौशाला का जो हक है वो सही है, या फिर जो प्रशासन जो सही करे वो सही है, आपको असल बात क्या लगती है भाई, मैं बता दूं कल्ला खेदड़ गांव ने गौ बचाने का ठेका कौन ले रहे क्या, वह गौ तारी भी और मारी भी और सबके इस देश की सवा गौ जिसने माता दर्जा दिया है, वह कल्ला खेदड़ की लड़ाई को नहीं, वह पूरा हरियाणा की पूरा देश की लड़ाई है, और वो पूरा एक धर्म की लड़ाई है, जो अपना आप नुमांदा हो ना, मैं धर्म का कट्टर हूँ, वो कट्टरता लकड़े हो आज बह रहे हो कड़े संगी पिल्ले, जो कट्टरता दिखा कर दे, गऊ का भी कन्नू कर देंगे, गाय का हाथ ला दे यू कर दें वो कर दें, दिखाओ ना जाए कने कड़े गयो तारा तारा वो जना तारा वो तमरवार लोगों ने आया कबर दिखाओ आज भैया कल्ला खेदड़ की लड़ाई को नहीं, रही बात प्रशासन है, प्रशासन ने चताया देना चाहूँ हाँ ये दोनों बड़ा लंबा चला कर कितना भी कुछ भी हो जियो, सीधी बात यह भाई जो खेदड़ गांव का अक्स है अक्के मेरे भाई वो राख उड़िया कर दी उस टाइम पे, वो राख जब उड़े आती जब तो कह दिया सरकार ने ले लो तो हमें संभाल लो इसने, हाँ भाई अरे वो उनकी काबू मत करी अरे उनका बेचारे का वो खुशी लिया, हाँ भाई तो भाई सीधी बात से कल्ला खेदड़ की लड़ाई को नहीं पूरा हरियाणा की पूरा देश की लड़ाई भी उसमें तड़कन बढ़ चढ़ के भाग लियो, तड़कन बड़ी जबरदस्त महापंचायत है और तकड़ा फैसला लिया जाएगा और जो फैसला होगा उसको पर खड़े उतराएं भाई, बिल्कुल चलो भाई वीडियो देख लिया आपने, फिलहाल बबलू मिर्जपुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जबार द्वाज, राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।